चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने केंद्र सरकार के 24,000 करोड़ का पैकेज देने पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए। उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तीसरी लहर की तैयारी पूरी कर ली है। जिस प्रकार से कल लगभग 24,000 करोड़ रुपए कोरोना के उपचार के लिए और उसकी और सुव्यवस्थित व्यवस्था देश में हो सके उसके लिए जो प्रावधान किया है केंद्र सरकार ने, ये एक बड़ी सौगात दी है। हम सबकी भगवान से यही प्रार्थना है कि तीसरी लहर ना आए, पर यदि तीसरी लहर आती है तो केंद्र सरकार ने 24,000 करोड़ का प्रावधान किया है जिसके माध्यम से बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी, आईसीयू बिस्तर, पीकू पीडियाट्रिक आईसीयू, इन सब की तैयारी के साथ साथ मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टूडेंट की तैयारी, जिससे पैरेलल हेल्थ वर्कर की टीम बन सके, इस सब पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है।